नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। राज्य में पंचायत चुनाव चल रहा है और आज यहां पर जिला परिषद का जो है नॉमिनेशन हो रहा है और गोविंदपुर जो प्रखंड जिला परिषद संख्या 5 है वहां से अनुराग वर्मा इन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा तो सबसे बड़ा है, वहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं वही वहाँ पर मुद्दा है, जैसे कि रोड, बिजली, पानी और सबसे बड़ी समस्या अभी एक हो गई है, कचड़े फेंकने की भी जगह नहीं है, जिस जो भी एक बहुत बड़ा समस्या है। और उसके साथ साथ कोविड में जितनी बेरोजगारी हुई और बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है, इस सब को लेकर के हम लोग को काम करना एक बहुत बड़ी समस्या है। पंचायत के पास इतनी व्यवस्था तो होती नहीं है, इसलिए कि जहाँ तक रोड और बड़े कंस्ट्रक्शन है वो तो राज्य सरकार के पास है, तो आप किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाओ? देखिए, रास्ता हर चीज़ के लिए है। अगर हम लोग ये सोचेंगे कि सिर्फ हम लोग पंचायत के फंड से और राज्य सरकार के फंड से काम करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों को और भी जो अदर व्यवस्था है उस पर ध्यान देना होगा। जैसे अगल बगल बहुत बड़ी कंपनी है, हम लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं, CSR फंड के थ्रू बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी अगर हम लोग जागरूक रहें तो आसानी से किया जा सकता है। एक सवाल रहेगा, इसलिए कि बहुत सारे युवा इस बार वहाँ से आजमा रहे हैं, तो आपको लोग क्यों पसंद करें, आप इस तर्क में क्यों? जैसा कि छोटा गोविंदपुर वासी जानते हैं और यह सब इसके साक्षी हैं कि मैं पिछले 3-4 साल से मैंने और हमारी संस्था ने इतना काम किया है, लगभग लगातार 3-4 साल से हम लोग एक दिन भी बैठे नहीं हैं और हर दिन हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें रोड हो, बिजली हो, पानी हो और उसके अलावा बच्चों के लिए बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड या फिर उनके शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत काम किया है। कोविड में भी हम लोग और हमारे वॉलंटियर्स एक दिन भी बैठे नहीं हैं, लगातार काम कर रहे हैं और इसी वजह से हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को उम्मीद है कि हमारे आपने जो काम किया उसके बदौलत लोग जो आपको ये करेंगे। आज नॉमिनेशन है और इसके बाद जब हम भ्रमण करने निकलेंगे, लोगों से देखेंगे, फिर रुझान भी आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या क्या समस्या रहेगा अलग अलग क्षेत्रों को, उस पर भी बात होगी। हालांकि आज इन्होंने नामांकन किया, इसके लिए शुभकामनाएं, और 2 दिन और बचे हैं 5 और 6 नॉमिनेशन के लिए, तब तक देखते हैं कितने और प्रत्याशी आते हैं। अपने सहयोगी आकाश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।